हेलो एवरीवन, मेरे पास कल एक मदर आई थी 7 इयर्स के बच्चे को लेके। उस बच्चे को एक ही कंप्लेन था कि इनवॉलेंट्रीली कब स्टूल्स पास हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये उसे इशू 2 इयर्स से हो रहा था। सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे, बट हिस्ट्री पे पता चला कि इसे सिर्फ अंडरलाइन कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट स्टूल्स इनवॉलेंट्री पास हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन कैसे हो सकता है। चलो लेट्स डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ और इसका कैसे ट्रीटमेंट है। आई एम डॉक्टर बीजल करवीर, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ग्लोबस हॉस्पिटल, मलनाड वेस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिपेशन और क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। 10 में से 2 से 3 बच्चों में ये पाया गया है और ये स्पेशली कॉमन होता है 6 मंथ से 6 ईयर्स के बच्चों में। ये स्टार्ट होता है ये एज ग्रुप। तो लेट्स सी, कॉन्स्टिपेशन क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों होता है, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी। सो ये है हमारा ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा पास कर रहा है स्टूल्स। तो ये है नॉर्मल टाइप ऑफ स्टूल्स जो कि सॉफ्ट सॉसेज टाइप होता है। जब भी हमारा स्टूल्स ये हार्ड एंड लेवल पे जाता है तो हम उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब ये टाइप का स्टूल्स अगर आप रोज पास कर रहे हो, स्ट्रेन कर रहे हो, तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। या फिर अगर आप सॉफ्ट स्टूल्स कर रहे हो बट स्ट्रेन कर रहे हो तो भी उसे कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। या आपका स्टूल्स कोई भी टाइप का हो बट अगर आप 3-4 डेज से उसे पास नहीं कर रहे तो इससे कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। बट ये डिपेंड करता है एज ग्रुप पे। जैसे छोटे बेबीज में 10-12 times पास करना भी नॉर्मल है, या 1 से 1 वीक पास करना भी नॉर्मल है। तो मैं आपसे मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जब भी हमारा स्टूल्स रेक्टम में पहुंचता है तब हमें अर्ज आती है कि हमें स्टूल्स पास करना है। एंड अगर हम स्टूल्स पास नहीं कर पा रहे या बच्चा स्टूल्स पास नहीं कर पा रहा है, रोक रहा है, तो फिर ये स्टूल यहाँ पर जमा हो जाता है। एंड रेक्टम की कैपेसिटी होती है कि वो जितना चाहे स्टूल्स भर सकता है और ये डिस्टेंट होता है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम अगर ये हम स्टूल्स पास नहीं करते हैं, ये अर्ज चला जाता है। एंड देन आफ्टर सम टाइम, फ्यू आवर्स या आफ्टर अ डे, आपको फिर से अर्ज होगी। तब ये यहाँ पे जब स्टूल्स आएगा तब आपको अर्ज होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, जब ये स्टूल सॉफ्ट स्टूल रेक्टम में आता है और अगर हम स्टूल्स पास नहीं कर रहे तो बॉडी की एक हैबिट है इंटेस्टाइन्स की कि वो वाटर अब्जॉर्ब करने लगता है। अगर ये स्टूल्स यहाँ पे है और अगर हम पास नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे हार्डन होने लगता है। विद इन अ डे और 2 ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्टोनी हार, और ये रेक्टम डिस्टेंट होते जाता है। मे बी आज थोड़ा सा हुआ है, कल इससे ज़्यादा 2-3 times डिस्टेंट हो जाएगा। एंड विद इन 2-3 days आपका स्टूल्स इतना स्टोनी हार्ड हो जाता है लाइक पैलेट्स, जैसे गोट्स पास कर। अब ये जो एनकॉप्रेसिस मैंने आपसे डिस्कस किया वो क्यों होता है, अगर ये जो स्टूल्स यहाँ पे आ रहा है और ये जो स्टोनी हार्ड जो स्टोन्स के जैसे स्टूल्स हैं, ये लिक्विड स्टूल होता है यहाँ पे जब आता है तो, और ये ट्रिकल डाउन करता है जो स्टोनी हार्ड स्टूल्स है उसके आजू बाजू, और बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसने कब स्टूल्स पास कर लिया है। तो इसे कहते हैं इनवॉलंटरी पैसेज जो कि एनकॉप्रेसिस है। ये जनरली 4 साल से बड़े बच्चों में इसे हम एनकॉप्रेसिस टर्म करेंगे। तो अब ये जानने के बाद हम आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम क्यों इसके ऊपर ट्रीटमेंट फोकस करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। जनरली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ये कहते हुए कि हमारा बच्चा तो बहुत जोर लगा रहा है बस स्टूल्स पास ही नहीं हो रहा। तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या करता है जिससे आपको लगता है कि जोर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं एक कोने में खड़ा हो जाता है क्रॉस लेग करके, कर्टन्स के पीछे छुप जाते हैं बच्चे, या तो फिर नीचे ज़मीन पर बैठ के करते हैं, खड़े खड़े पॉटी करते हैं। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें जोर लगा के पास आउट करने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, बच्चा विथहोल्ड कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसको हार्ड स्टूल्स होगा तो पेन होगा। ये पेन को अवॉइड करने के लिए बच्चा स्टूल्स को पास करने से लिए अवॉइड करता है, उसे विथहोल्ड करता है। तो ये सारे साइंस है जो कि विथहोल्डिंग के साइंस है, और ये आपको याद रखना है कि इसके वजह से शायद बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
और एक दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रेसिपिटेट होता है. अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग, जो भी पेरेंट्स आइदर वर्किंग है और चाहते हैं कि डे केयर में जाए तो वो अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं बिफोर 2 years ऑफ एज. एंड दिस इज नॉट रिकमेंडेड. यू शुड नेवर फोर्स योर चाइल्ड टू गो एंड पास द स्टोल्स इन द वॉशरूम बिफोर 2 years ऑफ एज. इफ द चाइल्ड हिमसेल्फ वांट्स एंड इफ ही सीज पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स जाके करें तो मुझे करना है. इफ ही हिमसेल्फ ट्राइज टू डू इट, वेल एंड गुड. और एल्स डोंट फोर्स द चाइल्ड टू यूज द वॉशरूम बिफोर 2 years ऑफ एज. तो अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग आपको अवॉइड करनी है. दूसरा फैक्टर है कि डाइट. डाइट में अगर आप प्रीडोमिनेंटली मिल्क बेस्ड डाइट देते हो, पेरेंट्स को लगता है हम तो लिक्विड्स दे रहे हैं तो लिक्विड स्टूल्स होना चाहिए. जी नहीं, आफ्टर 6 months ऑफ एज बच्चों के बॉडीज को फाइबर और बाकी सारे बैलेंस डाइट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रीडोमिनेंटली मिल्क बेस्ड डाइट दे रहे हो तो बच्चे को फाइबर नहीं मिलता एंड दैट इज़ अ कॉज के स्टूल्स हार्ड होते हैं बिकॉज फाइबर हेल्प्स टू सॉफ्टन द स्टूल्स. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप खा रहे हो एटलीस्ट उसका 1/3 या हाफ अमाउंट बच्चे को मिलना ही चाहिए. रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंक्लूडेड, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर चाइल्ड्स डाइट आफ्टर 6 months ऑफ एज. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट द मिल्क क्वान्टिटी डिक्रीजेस टू एटलीस्ट हाफ एंड 1/3 वॉट यू आर गिविंग बिफोर. सो वॉट आर द रेड फ्लैग साइंस? हम कब ये इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशंस करें? जनरली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, जो कि कॉमन कॉन्स्टिपेशन है 6 months to 6 years में बिकॉज ऑफ द विथहोल्डिंग, इसके इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रेड फ्लैग साइंस कहेंगे तब हम इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे. रेड फ्लैग साइंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है. अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं या फिर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा या फिर उसका पेट फूक रहा है या फिर ब्लड स्ट्रीक स्टूल्स आ रहे हैं या ब्लड के साथ स्टूल्स आ रहे हैं, तो फिर हम इसको रेड फ्लैग साइंस कहेंगे एंड इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत होगी. प्लस अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर हम बच्चे को थायराइड लेवल्स भी करेंगे बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो जैसे कि हमने बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, आप समझ चुके हो कि क्यों ये कॉन्स्टिपेशन प्रेसिपिटेट हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है. तो ये मैकेनिज्म अगर आप समझ गए हो तो आप इसका ट्रीटमेंट भी समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड स्टूल्स हो रहा है तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम होगा कि हम हार्ड से उसको सॉफ्ट या नॉर्मल स्टूल्स, टाइप 4 स्टूल्स या टाइप 5 स्टूल्स करने की भी कोशिश कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे 2 मेन थिंग्स हैं. फर्स्ट इज द मेडिसिन एंड सेकेंड इज द डाइट. ये हम दोनों पे एक फोकस करेंगे तो विल हेल्प टू पास द सॉफ्ट टूल्स फॉर द चाइल्ड. तो फर्स्ट इज मेडिसिन. जो भी ये मेडिसिन हम देते हैं ये आपको प्रॉपर डोज में रोज लगातार देना है फॉर एटलीस्ट 3 months. ये 3 months के लिए क्यों चाहिए? बिकॉज अभी आपने समझा कि रेक्टम डिस्टेंडेड हो गया है. अभी डिस्टेंडेड रेक्टम, जैसे कि नॉर्मल आपका कोई स्वेटर है या टी शर्ट है, जैसे वो डिस्टेंड हो जाता है और उसको नॉर्मल श्रिंक करना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे ही ये रेक्टम वंस डिस्टेंडेड इसको नॉर्मल श्रिंक करना टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 months. तो ये जब तक नॉर्मल लेवल पे नहीं आता एटलीस्ट तब तक हमको मेडिसिन रोज़ लगातार देना बहुत ज़रूरी है. एंड मेनी पेरेंट्स थिंक कि आज अभी सॉफ्ट स्टूल्स हो रहा है तो लाओ हम बंद करके देखते हैं. प्लीज़ ये गलती मत कीजिए बिकॉज अगेन वो स्टूल्स रेक्टम में भरना स्टार्ट हो जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होगा. तो आपको ये मेडिसिन जो भी आपके गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं प्रॉपर डोज के साथ लेना है. ना ही उसका डोज कम करना है, ना ही उसके डेज कम करने हैं और ना ही उसका टाइमिंग्स चेंज करना है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसका ये आप चेंजेस ना करें एंड प्लीज़ फॉलो इट परसिस्टेंटली. सेकेंड इम्पॉर्टेंट है डाइट. उसमें आपको लॉट्स ऑफ फाइबर, फाइबर होता है लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में. लीफी वेजिटेबल्स जनरली बच्चे नहीं खाते बट यू कैन मेक अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हाउ टू गिव लीफी वेजिटेबल्स. जैसे आप मेथी पराठा, पालक सूप, पालक पनीर, ये अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हो पालक या मेथी. अब उनको होल फ्रूट्स दीजिए. लेट योर चाइल्ड च्यू द फ्रूट्स, डोंट गिव फ्रूट जूसेस टू योर चाइल्ड. फ्रूट जूसेस में फाइबर नहीं होता, सिर्फ वाइटामिन्स होते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा फुल होल फ्रूट्स खाए अलॉन्ग विद द पल्प. और रहा आफ्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको क्या नहीं देना है, तो
मैदे की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि वो स्टूल्स को हार्ड करेगा। हमारे इंडिया में एक बहुत ही कॉमन स्टेपल ब्रेकफास्ट हो गया है कि दूध के साथ आप अपने बच्चे को बिस्किट, ब्रेड या टोस्ट दे देते हो। ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दे डोंट नीड ऑल दिस मैदा प्रोडक्ट्स, सो प्लीज़ अवॉइड ऑल द मैदा प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, पाव, बिस्किट्स, टोस्ट विथ मिल्क और टी। प्लीज़ डोंट गिव ऑल दिस, गिव प्रॉपर पराठास और गुड फाइबर डाइट टू योर चाइल्ड। तो ये डाइट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम टॉयलेट हैबिट्स, जैसे कि हमने देखा कि ये हार्ड स्टूल्स के अलावा हम अगर ये पैसेज नहीं बच्चा खोलता है तो ये स्टूल्स पास नहीं होने वाला। सो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग योर स्टूल्स सॉफ्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल इफ योर चाइल्ड डजंट अलाउ दैट एनल एरिया टू लूजन अप एंड लेट द स्टूल्स पास। तो अगर वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, अगर आपका बच्चा एनल एरिया को रिलैक्स करके स्टूल्स नहीं पास करने दे रहा तो ये सारा ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चा विथहोल्ड ना करें एंड स्टूल्स पास करें। तो उसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, उसका हम यूज़ करेंगे जो कि 4 ईयर्स के बच्चों तक में बहुत कॉमन है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो इंटेस्टाइन्स एक्टिव होके हमें स्टूल्स का अर्ज आता है। तो ये होता है फिनोमेना विच वी कैन यूटिलाइज। तो जस्ट मेक श्योर कि बच्चा सुबह उठ के एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर ले एंड मेक श्योर कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसके पहले ही हैज़ टू पास द स्टूल्स। एंड जब भी वो स्टूल्स पास करता है मेक श्योर दैट ही इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड विद एनी गेम्स और एनी मोबाइल्स एनी थिंग। लेट हिम पास द स्टूल्स फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes। प्लस इफ़ यू हैव टाइम, इफ द चाइल्ड कैन डू इट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आप जैसे फिनिश हो जाता है उसका फूड, यू कैन टेल द चाइल्ड टू सिट इन द और लेट द स्टूल्स पास फॉर एटलीस्ट 10-15 minutes so the bubble gets cleared. If there is any anal pain, we would suggest you some local application creams or sitz bath, which I can discuss, like, you know, if there's a warm tub where the child can sit, the anal area relax ho jayega and the pain decrease ho jayega. So this is how you have to treat your child for the constipation. It is very easy, but it requires persistence, patience and consistency. And I've got very beautiful response for the kids whose parents do it persistently as the gastroenterologist advises. If you have any doubts, please write in the comment box. I'll be happy to reply to it. And please subscribe to my channel for the more videos. Thank you so much.